जा जा, खुद के बारे में सोच तब दूसरे के बारे में सोच। दोस्तों अगर इतना ही है तो वीडियो ना बनाए, ना लेके आए अपने घर की बात। अगर यही खुशी पंजाबन की ही ले लो, जैसे खुशी पंजाबन के साथ जो हुआ अभी तक, तो बंदी हो सकता है काफी दिनों से उसके साथ ऐसा चल रहा हो, अभी तक वो सोच रही थी कुछ ना आए, किसी के सामने ना आए और कुछ ना हो, कुछ ना हो। जब किसी चीज की हद हो जाती तो वो सामने आती है। वैसे ही हुआ है खुशी पंजाबन के साथ। पहले तो सोशल मीडिया पे सब लोगों ने बहुत कहा कि खुशी पंजाबन का अफेयर है, खुशी पंजाबन का अफेयर है, खुशी पंजाबन ऐसी है, खुशी पंजाबन वैसी है, वो उसके साथ है, वो उसके साथ है। और इनका एक अभी जो विवेक का दोस्त है, जिनकी अभी शायद लड़का उड़का क्या हुआ, उनके यहाँ कुछ था फंक्शन, उसकी वजह से ज़्यादा काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इन लोगों के बीच में। तो दोस्तों जब खुद के घर कांच के हो तो दूसरे घर पत्थर नहीं फेंकते, ठीक है। और फिर जो कोई भी बोला है ना वो समझ सकता। वैसे मैंने कमेंट जो है डिलीट कर दिया, हम आप लोगों के जैसे नहीं कि वो कमेंट को रखे। और दोस्तों आप लोग ही बताइए ये इसमें कौन सी गलत बात है। पहले तो भाई ससुर बहू को मतलब देवता जैसे पूछते, मेरी बहू मेरी बहू मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरी ऐसी बहू, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ये है, मेरी बहू वो है। और जब आती है कोई बात तो सबसे पहले तुम ही आते हो, सबसे पहले तुम ही आते हो। अरे तुमको गाली देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। जब तुम बेटी मानते हो किसी, तो बेटी को कहाँ से गाली दी जाती है, दी जाती नहीं। और फिर वो अपने बेटे के लिए है। आज उस माँ से पूछिएगा जिसका बेटा यानी विवेक का जो बड़ा भाई इस दुनिया से चला गया, तो उसके लिए उनको इतना तकलीफ हो रही। और आज उस माँ से पूछिए जिसका बच्चा सिर्फ 3-4 साल का है, 4 साल हो या 5 साल का हो, तो उसको दर्द नहीं होगा, उसको भी दर्द होगा। आखिर उस बच्चे से क्यों दूर किया जा रहा, क्यों दूर किया जा रहा है। अरे दो, उनका हक है, उनका बच्चा है, उसने जन्म दिया। उस बच्चे को छुओ ना, ये ना करो, वो ना करो, जेठ जैसे लगता तुम्हारा जेठ है, ये है वो, ये सब अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। अंधविश्वास की वजह से उसकी खुशियां मत छीनो, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे कमेंट करेंगे। और दूसरी बात यह है दोस्तों, बिग बॉस से अरमान मलिक बाहर आ गए हैं, और फिर उसके बाद लव कटारिया। लव कटारिया को भी कहते ना कि आज के युग में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। सना मकबूल जो है लव कटारिया के पीठ में भोंकी है छुरा, उसको जो है जो लव कटारिया है उसके लिए उसने घर वालों की वोटिंग करवाई, और जिससे सना मकबूल ने नेजी का नाम ले लिया और दूसरे का, और उसको निकाल के बाहर। आप लोग देख सकते हैं ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसा कोई कर सकता है, आप लोग बताइए ऐसा कोई कर सकता है। तो आजकल किसी के लिए किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग क्या चाहते हो, खुशी का क्या, खुशी का हक नहीं है, एक माँ का हक नहीं है अपने बेटे से मिलने, उसे हक है ना। और कहा जा रहा है वो अपने उसमें आगे बढ़ गई, वो अपने बेटे को लेके, बेटे को चाहती है कि बेटा उसके पास आए। तो जाहिर सी बात भाई, उसने एक बेटे को 9 महीने अपने कोख में रखा, और तुम कह रहे हो उसमें उसका कोई हक नहीं, गाली दे रहे हो। उसको डर है क्योंकि वो एक साधारण फैमिली से है, उसकी फैमिली पंजाब के किसी गांव में, उसका जन्म हुआ एक गांव में, और उसकी फैमिली जो है साधारण फैमिली है। तो साधारण फैमिली से है इसी वजह से आप लोग ऐसा करोगे। आज उसके पास भी पावर होती तो बराबर लड़ती, यहाँ तक कि आप लोगों ने उसका पूरा सोशल अकाउंट छीन लिया, वो कहीं वीडियो भी नहीं डाल सकती है। और उसको डर है इस बात का कि कहीं अगर मैं कुछ करूँगी तो इनके घर वाले दबंग हैं, ये दबंग है, तो कहीं हमारी जान ना चली जाए। आज एक औरत अपनी जान छुपाते हुए चल रही। अच्छा तो वो हुआ जो हम लोगों के आंखों में पट्टी बंधी थी, वो जो आपका ऑडियो रिलीज हो गया, आपका ऑडियो अब किसने वायरल किया भगवान जाने, मगर वायरल किया। और अगर वो सच है, अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं वो ऑडियो फेक है, अगर वो सच है रिकॉर्डिंग,
तो बहुत ही बुरा कर रहे हैं। ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, वो आपकी बहू है। जैसे आप दिखाते थे, आपको देख के, आपकी फैमिली को देख के, न जाने कितने लोगों ने यूट्यूब पे अकाउंट बनाया और कहा शेयर की वीडियो की, देखो फैमिली ये होती है। लगता नहीं है कि ये सास ससुर ननद और सारे लोग, मगर आपके यहाँ तो कुछ और ही नज़ारा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे सुनने को आ रहा है कि विवेक भी दूसरी शादी के लिए कह रहा है कि हम दूसरी शादी करें, अरमान मलिक बने, अरमान मलिक की फैमिली में देख रहे हो क्या हो रहा है बिग बॉस में? प्रेस वाले कितना उसको धोए हैं, कितना धोए, इतना ज़्यादा धो डाले हैं, इतनी बेइज्जती की, वो भी नेशनल टीवी पे जाके। तो बताइए उसके दिल से उसने क्या कहा बाद में? उसने कहा कि मुझे कोई ट्रॉफी वॉफी नहीं चाहिए, बस मुझे कोई गेम होगा, मैं घर चला जाऊंगा और मुझे मेरी फैमिली चाहिए। देखो, फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं। यहाँ उसने अहमियत दी फैमिली की, और एक आप लोग हो जो अहमियत देते हो पैसे की। तो दोस्तों, आपको लगता है कि जो खुशी पंजाबन ने अपनी पूरी स्टोरी भी बताई, उनके चैनल में आप जाके देखिएगा कैसे कैसे उनकी शादी हुई थी और खुश थी, बहुत खुश थी, उनकी फैमिली बहुत ही अच्छी थी, मगर कहते ना जाने किसकी नज़र लग गई। मुझे तो नहीं लग रहा कि खुशी पैसों के लिए इतना ज़्यादा वो करेंगी। खुशी की जो बात है दम हकीकत है। मैंने एक वीडियो भी देखा जिसमें यह है कि खुशी का मोबाइल लिया गया, उसको घर से बाहर निकाला गया और उसको घर के अंदर आने नहीं दिया जा रहा, और जो विवेक चौधरी हैं उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। तो कहते हैं ना, जब कोई बात आती है अफेयर की, कुछ होती है, तो लड़कों को कोई कुछ नहीं करता, लड़कियां ही पिसती हैं। किसी की घर की औरत हो, कुछ हो, बस कहा जाएगा इसकी औरत ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसी है। तो आज वही बात आई, उसको ही पीसा जा रहा। मगर दोस्तों, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई यहाँ कहा जा रहा है विवेक का एक लड़की से अफेयर चल रहा है, विवेक उससे शादी करना चाहता है, और खुशी को इस बारे में पहले शक था। जब खुशी को शक था इस बारे में, तब खुशी कुछ नहीं, और जब शक एक दिन खुशी ने, एक वीडियो मैंने देखा जिसमें था कि खुशी ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, विवेक को उस लड़की के साथ, जब खुशी ने उसको पकड़ लिया, उसकी सच्चाई जानी, तब उसके बाद दोस्तों खुशी ने कहा कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। दोस्तों, कोई भी पत्नी हो, कोई भी हो, मैं खुद की बात बताती हूँ, अगर हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ होगा तो दिमाग काम नहीं करेगा। उस समय बस गुस्सा हो के वो मायके गई या धक्के मार के उसको निकाला गया। आज उसके घर में, आज उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। अरे, तुम्हें जब दूसरी तीसरी लाना तो पहले ही सोच लेते, क्यों उसकी ज़िंदगी तबाह किए? एक तो लव मैरिज शादी किए, ऊपर से वो इतना कमा के दी, वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी तुम्हारे घर को चार चांद लगा दी, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी। तो दोस्तों, ज़्यादा तो मैं ये नहीं जानती हूँ कि ये लोग गरीब थे क्या थे, मगर जब से मैंने देखा है, मैं कई वीडियो में भी देखा है कि खुशी जो है, खुशी एक टिकटॉकर स्टार थी, खुशी की वजह से ही विवेक का जो सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा फेमस हुए, क्योंकि भाई खुशी पहले से फेमस थी। खुशी का फेस जो है किसी नाम के लिए मोहताज नहीं था, किसी पहचान के लिए। खुशी की वजह से विवेक भी चमक गए थे, और आज उसकी, उसको क्या, आज 3-4 महीने हो गए हैं, ना तो कोई वीडियो डाल रही, ना तो कुछ, उस माँ से पूछो क्या क्या, कितना घुट घुट के जी रही होगी। तो दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि कुछ भी हुआ हो लाइफ में, क्या क्या हो गए हों, क्या नहीं हुए हैं, मगर आप लोग साथ में हो जाओ, और जो हो गया सो हो जाने दो। एक बच्चे के लिए आपके पास एक बेटा है, बेटे से बढ़ के, औलाद से बढ़ के खुशी कुछ नहीं होती। जब माँ बाप बड़े हो जाते तो वो अपने बारे में नहीं, अपने बच्चों के बारे में सोचते। तो आपके पास बेटा है, राजा के बारे में सोचो, और आप लोग एक हो जाओ। ऐसे फालतू फालतू के उनका हम कहते चलो देख ही लिए, कुछ भी हुआ ये सब ना हो। और जो कहा जा रहा है कि उनका वो खुशी जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं, उनका केस चल रहा कोर्ट से,
तो कोर्ट से केस चलता है मानते हैं, मगर कोर्ट भी चाहती है कि किसी का घर ना बर्बाद हो। अगर कोर्ट से उनका है कि दोनों लोग साथ में रहें तो साथ में रहें और फिर वापस फैमिली लेके आए। हम लोग आपके ब्लॉग देखने के लिए परेशान हैं, आपकी नई अपडेट आए। अगर ये वीडियो मेरा आप तक पहुँचे तो प्लीज़ कुछ समझ के ही समझिए। तो